नेक्स्ट लेसन है हमारा बायो मोलिक्यूल, बायो मोलिक्यूल। जिस पर हमारे बोर्ड भी मार्क है विद ऑप्शन 4 विदाउट ऑप्शन 3, ठीक है ना। सो ऑप्शन के साथ 4 मार्क का लेसन है हमारा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आपको नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। जैसे विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, फैट्स, डीएनए, आरएनए, सो ऑल दीज आर कंटेन द बायोमोलिक्यूल्स। तो वो जो सब कुछ है सेल के अंदर में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ओके, तो सब कुछ बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल वन ऑफ द बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लोग लिविंग बॉडी की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म सो देयर आर नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पर हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिल्स, सेलुलोज, प्लांट के अंदर में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो ये सभी जो है हमारे बायोजेनेटिक मटेरियल्स लाइक डीएनए, आरएनए, बायो वाले नाम सुने होंगे, जिनका बायो नहीं है उन्होंने भी सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा बट सुना है। सो डीएनए, आरएनए आर द बायोमोलिक्यूल्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर में हमें कुछ प्रिंसिपल्स बायोमोलिक्यूल्स के बारे में देखना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इनकी हमें पढ़ाई करना है बायोमोलिक्यूल की। तो वी आर स्टार्ट विद द फर्स्ट बायोमोलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग फर्स्ट बायोमोलिक्यूल की पढ़ाई कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो प्रीवियसली जो कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर हाइड्रेट प्रेजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, मतलब कार्बन विथ H2O नाम के अकॉर्डिंग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। मतलब ऐसा कंपाउंड कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते थे। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्म नहीं करते बट स्टिल दे आर हैविंग द शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है उनमें, अंदर में H2 मॉलिक्यूल नहीं है बट स्टिल दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फिर हमने उसकी स्टडी किया कि उनमें क्या होता है जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं है बट उनमें क्या है। तो फिर हमें ऐसा समझ में आया कि उनके अंदर में एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उनके अंदर में एल्डिहाइड या फिर क्या
होता है कीटोन अलोंग विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, अलोंग विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब ये प्रीवियस टर्म थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट हमने देखा ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फॉर्म नहीं करते, बट उनके अंदर में या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा या तो आपका कीटोन ग्रुप होगा अलोंग विथ हाइड्रोक्साइड पॉली हाइड्रोक्साइड, पॉली मतलब ज्यादा मात्रा में OH ग्रुप रहेंगे। तो ये सब कुछ जो रहेगा उसको हम बोलने लगे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये सभी कार्बोहाइड्रेट में मिला हमें, ये जो है ये हमें सभी कार्बोहाइड्रेट में दिखाई दिया। इसलिए जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली, सो सिंपली द कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर द कंपाउंड विच गिव राइज टू सच यूनिट ऑन द हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर ऑन हाइड्रोलिसिस दे आर गिव राइज सच टाइप ऑफ यूनिट आर कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट्स। इन सिंपल वर्ड कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड द शुगर, ठीक है ना, इनका स्वीट टेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं शुगर। सो हेंस द शुगर इज अ सुक्रोज, तो शुगर को हम लोग क्या कहने लगे सुक्रोज, ओके। सो ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर केन शुगर वीट आर मिल्क में जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द लैक्टोज, इनके अंदर में जो भी फॉर्म में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलने लगे हैं लैक्टोज कहने लगे हैं, ठीक है ना। सो द ग्रीक वर्ड ऑफ द सुक्रोज दैट इज कॉल्ड एज द सैक्यारन इज कॉल्ड एज द शुगर। सो हेंस द कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड एज द सैक्याराइड्स, इसलिए हम जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम क्या कहते हैं सैक्याराइड्स भी कहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये देखा रहे, ओके। तो अब हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें लिखना होता है डेफिनेशन व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, आर द डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन करना है कार्बोहाइड्रेट को, ओके। चलिए लिखिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन आर द कंपाउंड विच गिव राइज टू सच यूनिट ऑन द हाइड्रोलिसिस, ओके। सो ये हुआ हमारा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, व्हाट इज, ठीक है, ओके। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड सैक्याराइड्स, लिख लेने कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड सैक्याराइड्स। एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको मोर इंफॉर्मेशन, जनरल फार्मूला एग्जाम्पल ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च। उसके बाद देखना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
तो यहाँ पर बेसिकली जो हमें का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर यानी अगर आप किसी का भी हाइड्रोलिसिस करते हो, मान लीजिए आपके पास एक कोई कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, एक कोई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो अगर उस कार्बोहाइड्रेट का आप हाइड्रोलिसिस करते हो, कार्बोहाइड्रेट का आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपको कितने यूनिट वो फॉर्म करेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पर कितने यूनिट बना रहा है, ठीक है ना, 1 यूनिट बना रहा है या 2 यूनिट बना रहा है या 3 यूनिट बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस कितने नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्म करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हम लोग, 1 कर रहा है या 2 कर रहा है, 1 कर रहा होगा तो उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड, 2 कर रहा होगा तो उसको कहते हैं डाइसैकेराइड्स, 3 कर रहा होगा तो उसको कहते हैं ट्राइसैकेराइड, बहुत सारे कर रहा होगा तो पॉलीसैकेराइड। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग इन द बिहेवियर देयर हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, उसके हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट दैट इज कॉल्ड एज द सैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। सो व्हाट इज मीन बाय मोनोसैकेराइड्स, ऑन हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस गिव ओनली 1 सैकेराइड यूनिट, गिव ओनली 1 सैकेराइड्स यूनिट, मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद ओनली 1 सैकेराइड, मतलब आप ये बोल सकते हो कि वो जैसे का वैसा है, उसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब वो जो है वही है, उसका हाइड्रोलिसिस हो ही नहीं रहा है, अपने जो लिया वही है, ओनली सिंगल यूनिट, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनो मोनो सैकेराइड्स। ओके, सो ओनली डू नॉट हाइड्रोलिसिस इनटू द स्मॉलर यूनिट, उसका कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज फ्रुक्टोज राइबोस, ये हमारा मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद अनादर क्लास उन्होंने, जैसे मैंने कहा डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड, तो उसको उन्होंने एक कॉमन नाम दे दिया है ओलिगोसैकेराइड्स, क्या नाम दिया है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ऑन द हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स को ये नाम दिया है, 2 to 10 यूनिट। अगर किसी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस के बाद कितने यूनिट दे रहा है, 2 to 10 यूनिट, 2, 3, 4, 5 अप टू द 10 यूनिट तक, वो जो ग्रुप है उस ग्रुप को हमने क्या कहा है, ओलिगोसैकेराइड। फिर उसमें हमने फर्दर डिवाइड किया है, 2 दे रहा है तो डाइसैकेराइड, 3 दे रहा होगा तो ट्राइसैकेराइड, ओके, 4 दे रहा है तो टेट्रासैकेराइड, इस तरह से हमने उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया। अलॉन्ग विथ उसके हमने एग्जाम्पल भी दिया है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल है रैफिनोज, टेट्रासैकेराइड का यूनिट है स्ट्राइक्योज, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड के अंदर में डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड है ना, टेट्रासैकेराइड्स, ओके, 2 to 10। फिर उसके बाद हमारा जो अनादर क्लास आता है दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीसैकेराइड।
पॉली यानी लार्ज नंबर, आप बहुत सारे, 10 के ऊपर, 10 के बाद जितने भी ग्रुप है वो कहाँ पर आ जाएंगे आपके, लार्ज नंबर, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सो दीज आर द एग्जाम्पल। ओके, सो आप हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर उसमें आपको लिखना है उसमें अकॉर्डेंस विद देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस, क्लासिफिकेशन अकॉर्डेंस विद देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सो दे आर, तो आपको इस तरह से बनाना है फिर, ठीक है। सो ये दिस वन, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड एज इट इज, ट्री डायग्राम बनानी है आपको, वो उसके बाद है नॉमिनिक्लेचर। एक्चुअली अब इस पर नॉमिनिक्लेचर ये पार्ट बहुत ज्यादा ऐसा कुछ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर में जो भी नाम आते हैं वो फिक्स नाम होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज, ओके, तो ये एक ट्रेंडिंग फिक्स नेम होते हैं। फिर भी अगर लिखना है हमें तो उन्होंने कुछ बताया है, सो IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जो मोनोसैकेराइड है उसको कहते हैं हम लोग ग्लाइकोज, क्या कहते हैं हम लोग इसको, ग्लाइकोज। सो मोनोसैकेराइड विथ अल्डिहाइटिक ग्रुप, अगर उसमें अल्डिहाइटिक कार्बोनिल ग्रुप है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्डोज, एंड अगर कीटोन ग्रुप होगा तो क्या कहेंगे, कीटोज। अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो अल्डोज, कीटोन ग्रुप होगा तो कीटोन्स, ओके, एंड द अकॉर्डेंस विद द टोटल नंबर ऑफ कार्बन, एंड उसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ओके। जैसे वो एक एग्जांपल बता रहा है कि किसी कंपाउंड में अगर अल्डिहाइड ग्रुप है, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और नंबर ऑफ कार्बन 6 है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है, तो उसका नाम क्या होगा, अल्डो हेक्सोजेस, हेक्सोस, हेक्सोस यानी 6, पेंटोजेस, पेंटोज यानी 5, ट्रायोस यानी 3, इस तरह से उन्होंने नाम दिया है, मतलब फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कार्बन, ओके। जैसे यहाँ पर अगर कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है अलोंग विथ 6, तो क्या कहोगे, कीटो हेक्सोस, क्या कहोगे आप, कीटो हेक्सोस। जैसे अब इसका नाम लिखना है हमें, तो कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, देखिए एल्डिहाइड, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 3 के लिए ट्रायोज, 3 के लिए ट्रायोज, ठीक है ना, तो अल्डो ट्रायोज, तो इसका नाम क्या होगा हमारा, अल्डो ट्रायोज, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे अल्डिहाइड ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन 1 और ये 3 और ये टोटल 5 कार्बन है, टोटल कार्बन 5, तो क्या होगा, अल्डो पेंटोस, ठीक है। अब यहां पर देखो कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, 5, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है ना, तो हेप्टोज, ठीक है ना, ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है ना।
तो बहुत ही सिंपल है, बट अदरवाइज ऐसे आप नाम नहीं देखोगे, क्योंकि इनके फिक्स नेम हम लोग यूज़ करते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह के जो नाम होते हैं, लैक्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोज, इस तरह के नाम हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हुआ एक एज अ एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको। नाउ द सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लूकोज। अब हम पढ़ाई करने वाले हैं एग्जाम्पल की, जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो सभी एग्जाम्पल की पढ़ाई करने वाले हैं। हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ग्लूकोज। पहला एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज पढ़ रहे हैं हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, तो ये हमने सुक्रोज लिया है ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। आपको पता होगा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है ना। तो ये आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो जैसे आपको पूछा हाउ टू प्रिपेयर द ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिख लेंगे C2L H22O11। ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सो इट गिव द C6H12O6 C6H12O6। अब ये रिएक्शन लिखने पर हमें दो मार्क नहीं मिलेंगे, ये रिएक्शन पर वन मार्क मिलेगा आपको। जैसे ये क्वेश्चन पूछता है दो मार्क के लिए पूछता है ना, पूछा है, ठीक है ना, जैसे दो मार्क के लिए पूछा, तो हमने रिएक्शन लिख लिया ग्लूकोज हमारा फॉर्म, लेकिन एक्चुअली आपको ग्लूकोज नहीं मिला है, आपको क्या मिला है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों मिले हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से सेपरेट कैसे करोगे, ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से सेपरेट कैसे करेंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको वो रिमेनिंग वन मार्क मिलेगा। सो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा ग्लूकोज इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्रुक्टोज बाय एडिंग इथेनॉल डूरिंग कूलिंग। सो ग्लूकोज बीइंग ऑलमोस्ट इनसोलुबल इन अल्कोहल क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट। सो इतना आपको लिखना पड़ेगा तो जाकर आपको मिलेगा अनादर वन मार्क। मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ग्लूकोज को फ्रुक्टोज से सेपरेट कैसे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें अनादर मेथड दिया है, कमर्शियल मेथड दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा एसिड है, एच पॉजिटिव भी लिखे तो चलता, या फिर एसिड लिख लीजिए, फिर वो चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करो, कोई फर्क नहीं करता। तो अनदर मेथड, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, इसको कमर्शियल मेथड भी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है हाउ टू प्रिपेयर, अगेन सेम हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, या फिर राइट द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कमर्शियल मेथड, ठीक है ना। तो ऐसा कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज लार्ज स्केल में,
कमर्शियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, या फिर राइट द कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कमर्शियल मेथड ओके। तो स्टार्च ले आए हमने, स्टार्च का फार्मूला हमारा C6H10O5 अप टू एन लार्ज नंबर स्टार्च ले आए हमने, एन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल ओके। सो यू हैव टू गेट द ग्लूकोज, यहां पर आपको ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज नहीं मिल रहा है, ओनली क्या मिल रहा है, स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज मिलेगा आपको यहां पर। H पॉजिटिव एसिड विथ एसिड 393 केल्विन टेम्परेचर 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी ये लिखना बी मस्ट। अब इसमें उन्होंने क्या किया, दो मार्क कैसे रखा है, वन मार्क रिएक्शन पर, वन मार्क ये सब कुछ लिखने पर एरो पर, तो ये वन मार्क और ये रिएक्शन पर वन मार्क, ऐसे वो आपको देगा टू मार्क। मतलब जो कंडीशन है वो कंडीशन आना चाहिए, मतलब उनका कहना है कि उसी कंडीशन पर वो रिएक्शन होती है, अगर वो कंडीशन नहीं है तो आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, इसलिए वो बी मस्ट कर दिया उन्होंने। तो इसलिए वो कंडीशन पर एक मार्क रख दिया और रिएक्शन पर वन मार्क कर दिया, इस तरह से टू मार्क। इसी पेपर में ये जो दो मेथड है ना, दो में से एक मेथड आपको हर पेपर में दिखेगी, अभी जो मैंने दो क्वेश्चन लिख कर दिया प्रिपरेशन के नहीं क्या, तो वो अल्टरनेट किसी ना किसी पेपर में है, इधर वो या ये, वो या ये, कोई तो भी पूछ ही लेता वो प्रिपरेशन की मेथड ओके ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर। अब हमें वो ये बता रहा है कि जो ग्लूकोज होता है, जैसे आपने मोलिकुलर फार्मूला देखा C6H12O6, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब यहाँ पर आपके 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। अब हमें देखना है कि उसका स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। तो उसके बारे में वो अब बता रहा है हमें कि जो भी ग्लूकोज है वो कैसे होता है, जैसे 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वो सब कुछ हमें देखना है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सबसे पहले मोलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज कितना है, C6H12O6 इज द मोलिकुलर फार्मूला, दिस कैन बी प्रून बाय यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं हम लोग सॉल्यूशन नाम के लेसन में पढ़ेंगे, जब हम सॉल्यूशन लेसन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ओके। फिलहाल हमें ये याद रखना है ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6, इसको आइडेंटिफाई किया गया है बाय यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओके। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट, उसका मोलिकुलर फार्मूला कैसे आइडेंटिफाई किया गया है। सेकंड, कितने कार्बन है उसके अंदर में, 6 कार्बन है ओके। ये कैसे फाइंड आउट किया गया है, तो जो ग्लूकोज है उसके अंदर में क्या ऐड किया गया है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, आफ्टर एडिंग द हाइड्रोजन आयोडाइड इट गिव द एन हेक्सेन, क्या मिला हमें एन हेक्सेन, मतलब इससे क्या प्रूव हो गया, 6 कार्बन ग्लूकोज में प्रेजेंट है, वो भी ओपन चेन वाले, क्योंकि आपको एन हेक्सेन मिला है, सो एन हेक्सेन मतलब क्या है, ओपन चेन 6 कार्बन, ओपन चेन 6 कार्बन। एन हेक्सेन का मीनिंग क्या है, वहां पर जो 6 कार्बन है कैसे है, ओपन चेन है, ठीक है ना। सो बाय यूजिंग दिस रिएक्शन, ठीक है ना, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज दैट आर हैविंग द 6 कार्बन, कितने कार्बन है उसके पास, 6 कार्बन। तो ये हमने ये टेस्ट से आइडेंटिफाई किया बाय यूजिंग द HI ग्लूकोज के अंदर में
एच आई एड किया, सो इट गिव द एन हेक्सेन, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ दैट वन ग्लूकोज. उसके बाद जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, सो ग्लूकोज के अंदर में ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है. तो अब आपने देखा होगा यहाँ पर आपको एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली जो हमारा एल्डिहाइड होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओके ना, सो दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप. ये क्या है हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये हमारा कार्बोनिल सीओ ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है उसमें. तो फर्स्ट हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वन कार्बोनिल ग्रुप, उसके अंदर में क्या है वन कार्बोनिल ग्रुप. वो कैसे पता चला हमें, तो हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज में आपने क्या ऐड किया HCN हाइड्रोजन साइनाइड. हाइड्रोजन साइनाइड अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वो डायरेक्टली वहां पर ऐड होता है. सो CH एक हाइड्रोजन O के साथ ऐड हुआ और यहां पर CN, सो गेट दिस कंपाउंड साइनोहाइड्रिन कहते. या फिर इफ यू ऐड द NH2OH, क्या ऐड किया हमने NH2OH, सो इफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, कार्बोनिल ग्रुप इज देयर, सो इट फॉर्म द CH और यहां पर ये जो N है ऐड होकर NOH मिलेगा, ठीक है, गिव द ऑक्सिन. इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सिन कहते हैं. ओके, सो इन द ग्लूकोज एडिशन ऑफ HCN गिव द साइनो हाइड्रिन एंड एडिशन ऑफ NH2OH गिव द ऑक्सिन. दिस रिएक्शन शो दैट द ग्लूकोज कंटेनिंग अ वन कार्बोनिल ग्रुप. ग्लूकोज के अंदर में क्या है वन कार्बोनिल ग्रुप है, ये रिएक्शन से हमने प्रूव किया कि उसके अंदर में वन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, फिर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर मोलिकुलर फार्मूला डिसाइडेड हुआ. एच आई एड कर ओपन चेन सिक्स कार्बन आइडेंटिफाई हुए. HCN या फिर NH2OH ऐड कर कार्बोनिल ग्रुप डिटेक्ट हो गया, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप. अब कार्बोनिल ग्रुप है मतलब कौन सा है, फिर वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में होता है. जैसे ये एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है, सो बोथ आर हैविंग द कार्बोनिल ग्रुप, दोनों के अंदर में क्या रहेगा कार्बोनिल ग्रुप रहेगा. तो अभी तक तो हमें ये पता चला कि उसके अंदर में कार्बोनिल ग्रुप है, बट अब कार्बोनिल ग्रुप वो किसका है, एल्डिहाइड का है या कीटोन का है, मतलब कौन सा कार्बोनिल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है. ओके, सो कार्बोनिल ग्रुप इज ग्लूकोज इज द फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड. वो बोल रहा है कि जो उसके अंदर में कार्बोनिल ग्रुप है वो किस फॉर्म में है, एल्डिहाइड. वो कैसे पता लगाया उन्होंने, तो हमारे पास ग्लूकोज है, वहां पर क्या ऐड किया उन्होंने ब्रोमीन वाटर. इफ द कंपाउंड कंटेनिंग एल्डिहाइडी ग्रुप, सो द ब्रोमीन वाटर CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड टू द COOH. द एल्डिहाइड ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर इज कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दिस शो दैट द गिवन कंपाउंड कंटेनिंग अ एल्डिहाइड. तो इस रिएक्शन से हमने क्या डिटेक्ट किया कि उसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है. ओके, कार्बोनिल ग्रुप पता चला, कार्बोनिल ग्रुप है तो अब वो एल्डिहाइड है या कीटोन है वो पता लगाना था. तो फिर हमने क्या किया, उसके अंदर में ब्रोमीन वाटर को ऐड कर दिया. ब्रोमीन वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करता है. तो ये कन्वर्ट हो गया, सो दैट मीन्स उसके अंदर में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है. ओके, तो ये भी हो गया, कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप कंफर्म हो गया कि उसके अंदर में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है. अब बचा है OH ग्रुप होते हैं उसके अंदर में, ठीक है ना, ये अल्कोहल ग्रुप होता है. मतलब इन शॉर्ट हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वो वैसा ही है क्या जो हम लिखते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को. जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना CHO, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं ना
सी एच ओ एच बाई फोर सी एच टू ओ एच, तो ये ऐसा ही है क्या, ये हम उसको वेरीफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इतना तो वेरीफाई हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्लूकोज कंटेनिंग 5OH ग्रुप, क्लियरली दिखाई दे रहा है 5OH ग्रुप, ये 4 और ये एक 5। ग्लूकोज के अंदर में कितने हैं, 5OH ग्रुप है। सो ग्लूकोज के अंदर में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब वो कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि उसके अंदर में 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया। सो OH ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसमें एसिड अनहाइड्राइड अगर ऐड करते हो, क्या ऐड करते हैं, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ, दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। तो ये हमारा किसका फार्मूला है, एसिड अनहाइड्राइड का फार्मूला है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये क्या करता है, जहां पर भी OH ग्रुप होगा वहां पर ये पार्ट ऐड हो जाएगा, जहां पर भी OH ग्रुप है वहां पर ये जो पार्ट है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें से H निकल कर ये फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, और वो वहां पर ऐड हो जाएगा, कहां पर ऐड होता है वो, जहां पर OH होगा। अब यहां पर कितने वो ग्रुप कितने यूटिलाइज हुए, देखो ये 4 और ये एक 5। सो टोटल कितने अनहाइड्राइड यूटिलाइज हुए हैं, 5। सो हेंस दी प्रूव दैट द गिवन कंटेनिंग कंपाउंड 5OH ग्रुप। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि उसके अंदर में कितने OH ग्रुप है, 5OH ग्रुप है, बाय यूजिंग द एसिड अनहाइड्राइड टेस्ट। एसिड अनहाइड्राइड टेस्ट का यूज कर हमने 5OH ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, तो यहां तक का स्ट्रक्चर हमारा बन गया। अब हमारा लास्ट बचा है, लास्ट क्या बचा है, कौन सा ग्रुप है उसके अंदर में, अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH, कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है ना, यहाँ तक तो हमने बता दिया, अब हमारा लास्ट बचा है उसके अंदर में अल्कोहलिक ग्रुप है। ओके, सो इट कंटेनिंग द वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH इज अ प्राइमरी अल्कोहल, सभी को पता है CH2OH क्या है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल। इसको कैसे हमने डिटेक्ट किया है, ठीक है ना, इसको आप कंफ्यूजन मत बढ़ाइए, इसको भूल जाइए। ठीक है ना, हम डायरेक्ट इसको देखिए। ओके, सो द ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3 एजेंट, ये क्या करता है, क्या करता है, द सी एच टू ओ एच इज कन्वर्टेड टू द सी ओ ओ एच, सी एच टू ओ एच कन्वर्टेड टू द सी ओ एच। और ऑलरेडी ये भी जो सी एच ओ ग्रुप है वो भी किसमें कन्वर्ट होता है, CO, ये तो हमने प्रीवियस देख ही चुके थे कि ये जो है ये तो ऑलरेडी बन चुका था CHO, वो ऑलरेडी COOH में कन्वर्ट हो चुका था प्रीवियसली, जब आपने कार्बोनिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट किया था तो ये यही डिटेक्ट किया था, तो वो तो पहले से बन चुका था। ठीक है ना, अब किसका टर्न था, CH2OH को, तो अगर उसके अंदर में प्राइमरी अल्कोहल है, सो बाई एडिंग द HNO3 द अनादर ग्रुप इज कन्वर्ट इन टू द COOH, तो दिस इंडिकेट दैट द गिवन कंपाउंड कंटेनिंग द वन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। इस तरह से जो हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं उसको पूरी तरह से हमने बता दिया कि उसके अंदर में वो कैसा होता है। फिर से एक बार, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर मोलिकुलर फार्मूला हमने बताया कि उसका मोलिकुलर फार्मूला जो है वो C6H12O6 है, वो बता दिया। HI को ऐड कर बताया N हेक्सेन ओपन चेन 6 कार्बन है। ठीक है ना, HCN और NH2OH ऐड कर बता दिया कि उसके अंदर में क्या है, 1 कार्बोनिल ग्रुप है, ये बता दिया हमने। ब्रोमीन वाटर को यूज कर क्या बता दिया है, उसके अंदर में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये बताया है हमने। 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये बताया है हमने बाय एडिंग द अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड को ऐड कर हमने बताया है। एंड बाय एडिंग द नाइट्रिक एसिड HNO3 आपने बताया है 1 प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने बता दिया कि किस तरह से हमारा जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर है।